माँ हूँ, धरती माँ। आज मैं खुशी से फूली नहीं समा रही। मेरे आंगन में उस शिशु का जन्म हुआ है जिसके आगमन से मेरी शोभा बढ़ गई है। श्री राम का जन्म हुआ है, उसका जन्म हुआ है जिसे संसार ने मर्यादा की परिभाषा बताने वाला माना, जो मूल्यों का निर्माण करेगा, संसार को जीवन की एक नई दिशा प्रदान करेगा। आज मैं धन्य हो गई। श्री राम के जन्म से सबका मन गदगद है, सबके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सिवाय उनके जिनके मन ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के भंडार हैं। मुझे ये भय है कि मंथरा कहीं इस शुभ कथा में कोई विघ्न न डाल दे। उसकी मनोवृत्ति से मुझे घबराहट हो रही है। बधाई हो दीदी। कैकेयी, तुम इस दशा में उठकर क्यों चली आई? बड़ी मूर्ख है तुम्हारी धाई माँ, उसने तुम्हें आने क्यों दिया? वह मुझे रोक रही थी, पर मैं कहाँ रुकने वाली, मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो राम को देखने को व्याकुल थी। लो, संभाल के। अरे अरे अरे, मेरा राम। इसे तो जो भी देखता है यही कहता है कि ये मेरा राम है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही नहीं, सबका राम है। होगा सबका, पर मेरा इस पर विशेष अधिकार है। मैं माँ हूं इसकी। ये सत्य कहा तुमने छोटी रानी, तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। तो बस ठीक है, अब राम मेरे हुए। मैं माँ हूं, धरती माँ। महारानी कौशल्या ने कितनी सच्ची बात कही। राम जिसके हो गए, जग उसी का हो गया। जिसने राम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। और आज तो मुझे एक विचित्र सा अनुभव हो रहा है। अभी तो राम छोटे से शिशु हैं, और दुनिया उन्हें देखने को दीवानी हुई जा रही है। जब वो बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? असंख्य लोग उनके दर्शन के प्यासे रहेंगे, असंख्य लोगों के दिल उनके प्यार में डूबे होंगे। मुझे लग रहा है कि अब जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ, और जब हो जाएगा तो ऐसा होगा कि संसार उसे कभी भुला नहीं पाएगा। शिशु तो संसार में हर दिन जन्म लेते हैं, पर आज एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया है जिसके दर्शन को मानव तो मानव, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा और सरस्वती, कैलाश से भोले शंकर और पार्वती, और इंद्रलोक से इंद्र और समस्त देवी देवता चल पड़े हैं। यह तो विचित्र हुआ। लगता है श्री राम के दर्शन का ध्यान हम सबके मन में एक साथ आया। शुभ विचारों के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रस्थान करें। परंतु इस रूप में? नहीं, इस रूप में नहीं। तो प्रस्थान करें। शुभस्य शीघ्रम्। महामंत्री सुमंत। आज्ञा महाराज। राजकोष का मुख खोल दिया जाए, राज्य में कोई निर्धन न रहे, कोई भूखा नंगा न दिखाई दे, राजकोष के रिक्त हो जाने की चिंता न की जाए। ऐसा ही होगा महाराज। यूं भी आज अयोध्या में उत्सव का दृश्य है,
प्रजा प्रसन्नता से पागल हुई जा रही है। अयोध्या नरेश की जय हो महाराज। राजकुमार के दर्शनों के लिए कुछ विशेष अतिथि बता रहे हैं और भीतर आने की अनुमति चाहते हैं। मैं स्वयं चलता हूं। प्रणाम हे ऋषिजनों। कल्याणमस्तु। अपने घर में आप सबको पाकर मैं धन्य हो गया। कहां से पधारे हैं आप लोग? हम नगर नगर घूमकर संसार की लीला देखने वाले ऋषि हैं। हम पता ठिकाना क्या बताएं? यहां से जा रहे थे, आपकी नगरी में घूम रहे थे तो पता चला कि आपके घर में सुकुमार ने जन्म लिया है। बस उसके दर्शनों के लिए चले आए। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सब ऋषियों से अधिक देवी देवता प्रतीत हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाएगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। पहले तो हमें उसके दर्शन पाकर धन्य हो जाने दीजिए। आइए भीतर चलें। चलिए महाराज। ये कैसे संभव है? आगे आप चलिए, आपके पीछे चलने में मैं गर्व का अनुभव करूंगा। आइए। नहीं नहीं देवी, उठने का प्रयास ना कीजिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है, आप विश्राम कीजिए। कहिए प्रभु, आनंद से तो हैं? आप पालने में यूं आनंद से विश्राम कर रहे हैं जैसे ये पालना न हो शेषशय्या हो, और आप नन्हे से बालक न हो श्री हरि हो। सारी अयोध्या में धूम मची है कि महाराज दशरथ के घर श्री राम ने जन्म लिया है। हम तो ये नाम सुनकर ही धन्य हो गए। हमारी प्रार्थना है, आप इस जग में आए हैं तो ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि ये जग धन्य हो जाए। हमारा आशीर्वाद है आपको। आप कवियों की प्रेरणा का साधन बने, वीरों को वीरता का उदाहरण प्रदान करें, संसार को मर्यादा का नवीन आदर्श दें, पुरुषोत्तम बने। जो आपका नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा आशीष है कि आपका नाम आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो। हमें भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहिएगा, हमसे नाता न तोड़िएगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमें जाने की अनुमति दें। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने यहां आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए कि वो भी धन्य हो गया। आप प्रसन्न रहे, यही हमारी कामना है। अच्छे
प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। पुत्राच, आज तुम्हारे भ्राता वीरवर मेघनाथ की वीरता की अंतिम परीक्षा है। जाओ, उनकी आंखों पर पट्टी बांध। जो आज्ञा दादाश्री। भ्राता मेघनाथ, पुत्र मेघनाथ, उठाओ अपना धनुष। अब धनुष पर बाण चढ़ाओ। मेरे हाथ में ये मणि है, मैं इसे अपने सिर पर रख रहा हूं। तुम इसे अपने बाण का लक्ष्य बनाओ। यह मत सोचना कि यदि लक्ष्य चूक गया तो तुम्हारे दादा श्री सोमाली के प्राण संकट में आ जाएंगे। परीक्षा लेते समय यदि ऐसी दुर्घटना हो भी गई तो चिंता की कोई बात नहीं। बात मुख्य यह है कि बाण चलाते समय तुम्हारा हाथ तनिक भी न कांपे। अब पुत्र, मेरा आदेश है कि लक्ष्य पर बाण चलाओ। मेघनाद, वाह, वीर रावण के वीर पुत्र, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। किंतु अब संभलो। माताश्री, धन्य है वत्स मेघनाद, धन्य है। आयुष्मान भव, मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने बड़ी लगन से युद्ध विद्या सीखी, मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे पिता लंकापति रावण ने तुम्हें जिस उद्देश्य से मुझे सौंपा था वो उद्देश्य आज पूरा हो गया। हमारा तो मन करता है कि हम उड़कर उनके पास पहुंच जाए। परंतु दादाश्री, वो हमें पहचान तो लेंगे ना? पुत्र, तुम बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे जब तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को मेरे हाथों में सौंपा था। हो सकता है कि वे तुम्हें अचानक देखने पर भी पहचान न पाए, पर जब पहचान लेंगे और जान लेंगे
कि तुम क्या बन गए हो तो उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। देवताओं के विरुद्ध अभियान में तुम दोनों उनके बहुत बड़े सहायक बनोगे। मैंने भी तुम्हें इसी लक्ष्य से युद्ध की शिक्षा दी है। गुरुदेव, हम आपको गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं। आप न केवल हमारे दादाश्री परन हमारे गुरु भी हैं। आप जो चाहें हम देने को तैयार हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा देवलोक विजय है। तुम दोनों मुझे देवलोक जीत कर दी दो, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। हम आपको वचन देते हैं गुरुदेव कि आपको इंद्रास्तन पर विराजमान करके ही हम दोनों तम लेंगे। क्यों अनुज? निसंदेह भ्राताश्री, अब तो देवलोक विजय ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा, सबसे बड़ा। दादाश्री, आप हमें लंका कब ले चलेंगे? आज ही, अभी, इसी समय। तुम दोनों को तुम्हारे पिता के समक्ष अचानक ले जाकर उन्हें भौचक्का कर दूंगा। चलो मेरे साथ आओ। हम तीनों को ब्रह्मा से वरदान मिल चुका है, अब मुझसे और अधिक धैर्य नहीं रखा जाता। हमें शीघ्र अतिशीघ्र देवलोक पर आक्रमण कर देना चाहिए, देवलोक जीत लेना चाहिए हमें। भ्राताश्री, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। अवश्य कहो, किंतु ध्यान रहे विभीषण, ऐसी कोई बात ना कहना जिसे देवताओं के पक्षपात की दुर्गंध आती हो। नहीं भ्राताश्री, पक्षपात की बात नहीं है, किंतु यदि देवलोक पर आक्रमण और विजय से पहले हम उन क्षेत्रों की संपन्नता का उपाय करें, उन क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने का ढंग सोचें जो पहले से ही हमारे पास है, तो क्या यह उचित नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, यह अनुचित होगा। हमारी सबसे पहली चिंता होनी चाहिए कि हम विश्व विजेता कैसे बने, कैसे संसार के सिर को अपने चरणों में झुका दें। स्मरण रहे कि संसार उसे ही पूजता है जिसके पास शक्ति होती है। देवलोक विजय के उपरांत हमारे सामने कोई चुनौती नहीं बचती, हमें आक्रमण करना ही चाहिए। क्यों मजले, मैंने ठीक कहा ना? भ्राताश्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, पर मेरी समस्या यह है कि मैं 6 मास तक सोता रहता हूं और फिर जिस एक दिन जागता हूं उस दिन भोजन के उपरांत तीसरे पहर से ही मुझे नींद आने लगती है, तो फिर मैं आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा? तुम चिंता ना करो मजले, चिंता ना करो। मैं युद्ध उस दिन आरंभ करूंगा जिस दिन तुम्हारे जागने का दिन होगा, और तीसरे पहर से पहले मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। किंतु अब मैं देवलोक विजय किए बिना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मजले। मानना भी नहीं चाहिए। नाना श्री, आइए आइए। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। आइए नाना श्री, आइए। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। नाना श्री, आपके आने से मेरी शक्ति और भी बढ़ गई है। मेरे आने से तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ी, तुम्हारी शक्ति बढ़ी उन वीर योद्धाओं के आने से जो स्वयं में एक सेना है। मैं तुम्हें 2 ऐसे योद्धा दे रहा हूं जो अपने आप में उदाहरण है, तीनों लोक में उनका कोई जोड़ीदार नहीं। वे तुम्हारी युद्ध क्षमता की कमी को पूरा करेंगे। नाना श्री, ऐसे वीर योद्धा कौन है? भीतर आओ मेरे शूरवीरों। पिताश्री, एकनाथ, प्रणाम पिताश्री।
अक्ष कुमार मेरे पिताश्री। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। ये रही तुम्हारी धरोहर जिन्हें तुमने शैशवावस्था में मेरे हाथों में सौंपा था। मैंने रात दिन एक करके इन्हें ऐसे योद्धाओं में परिवर्तित कर दिया कि ये युद्ध नीति के अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं। इन्हें पराजित करना तो दूर की बात है, कोई इनका सामना तक नहीं कर सकता। मेरे पुत्रों, मेरे वीरों, अब तो हमारी शक्ति अपार हो गई है, अपार। अब तो मुझे दो और हाथ मिल गए हैं। देखा अनुज, देखा मजरे कितने बड़े हो गए हैं दोनों। पुत्रों, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल थी, जाओ उनसे मिलाओ, जाओ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आयुष्मान भव। नानाश्री, अपमान का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है, देवलोक जीतने की घड़ी आ गई है, किंतु स्मरण रहे, विष्णु से प्रतिशोध मैं लूंगा, मैं लंकापति रावण। माता श्री। मेरे पुत्रों, प्रणाम। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव। पुत्रों, तुम बहुत ही उचित समय पर आए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल थी। हम भी आपको सदैव स्मरण किया करते थे माते। और मैं तो आपके दर्शन के लिए तड़प रहा था माते। तुम माता के हृदय की तड़प को क्या जानो मेरे पुत्रों? तुम्हें तो मुझसे लंकेश ने उस समय छीनकर अपने नाना श्री असुरराज सुमाली को सौंप दिया था, जब मैं तुम्हें दूध पिला रही थी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत तड़पी हूं पुत्रों, किंतु आज तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी। मैं सर्वथा अकेली पड़ गई थी, सर्वथा असहाय, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था पुत्रों, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं माते? सर्वशक्तिमान रावण की महारानी और स्वयं को असहाय पाए, ये कैसे हो सकता है माते? यही हो गया है पुत्रों, मैं तुम्हारे पिताश्री को रोकना चाहती हूँ, पर सर्वथा अपने आप को असहाय पा रही हूँ। पिताश्री को रोकना चाहती है, किंतु क्या करने से रोकना चाहती है माते? विनाश से, सर्वनाश से। कैसा विनाश? किसका सर्वनाश? हमारा विनाश, हमारे परिवार का सर्वनाश, हमारी प्रिय लंका का सर्वनाश। पुत्रों, तुम्हारे पिताश्री ने युद्ध की ठान ली है, वो देवलोक पर विजय करना चाहते हैं, किंतु मैं उन्हें युद्ध पथ पर जाने से रोकना चाहती हूँ। मैं रक्त और अग्नि की होली खेलने से रोकना चाहती हूँ, किंतु वो मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। अब तुम दोनों आ गए हो तो मुझे आत्मबल मिल गया है, अब मैं उनसे बात करूंगी तो स्वयं को अकेला नहीं पाऊंगी, अब मैं उन्हें रोकूंगी तो मेरे पुत्र मेरा साथ देंगे, क्यों है ना? बोलो। क्या बोले माता श्री? इतने वर्षों पश्चात
आज पहली बार हमारी भेंट हुई है और आप हमसे वो भाषा बोलने को कह रही हैं जो हमने सीखी ही नहीं। हे माता, हमें दादाश्री ने केवल केवल युद्ध नीति बनाना, युद्ध की बातें करना, युद्ध करना और युद्ध जीना ही सिखाया है। हम युद्ध के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकते। फिर हम पिताश्री से किस मुंह से कहें कि वे युद्ध ना करें? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्रो? मैंने तो सारे जीवन की आशाएं तुमसे लगा रखी हैं। मेरी आस को धूमिल मत करो पुत्र। किंतु माते, हमने दादाश्री को गुरुदक्षिणा में देवलोक विजय का वचन दिया है। हमें तो वहां भेजा भी इसी उद्देश्य से गया था। माताश्री, हमें खेद है कि हम आपको निराश कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए माते, किंतु ना तो हम पिताश्री का साथ छोड़ सकते हैं और ना ही अपना मार्ग बदल सकते हैं। हमें अनुमति दीजिए माते। पुत्रों, मेरे भाग्य में अकेला पनी लिखा था, तुम आए तो मैं समझी कि मेरा अकेलापन दूर हो गया, पर यह मेरा भ्रम था। भ्रम। मेरा मन करता है कि मैं हर पल इसे ही निहारती रहूं। न जाने क्यों इसका मुख देख देख कर भी मेरा मन नहीं भरता। क्यों राम जी, ये आपने मुझ पर क्या मंत्र फूंक दिया है? राम ही तुमसे इतना हिल मिल गया है कि तुम्हारे पाँव की चाप सुनते ही उधर ही देखने लगता है जिधर से तुम आती हो। अच्छा जी, मेरा बस चले तो मैं। केके, केके, क्या हो रहा है? केके, दासी, दासी, केके, केके, संभालो तनिक। दासी, कहके रुको, मैं धाईमा को बुलाती हूँ। आगे महारानी। जा और धाईमा मंथरा को बुला ला, लगता है कहके के प्रसव का समय निकट आ गया। जो आ गया। कहके, कहके, कहके। कहके, कहके रुको, मैं आती हूँ। चिंतित न हो महाराज, पुष्य नक्षत्र है और कुछ ही क्षणों में आपको एक और शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके यहां एक और पुत्र का जन्म होने वाला है और महाराज वो पुत्र भी अत्यंत ही तेजस्वी और प्रतापी होगा। गुरुदेव।
जिसके आने के लिए मैं एक एक घड़ी गिन रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है पुत्री, जिसके प्रकाश के आगे संसार के सारे दीपक मंद हो जाएंगे। वो आ गया है पुत्री, जो तुझे अयोध्या में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा, तुझे तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा पुत्री। जिसके नाम पर तू राज करेगी पुत्री, राज। अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ। अरे कोई है, कोई है? प्रणाम धाई माँ। जा महाराज और महर्षि वशिष्ठ को सूचना दे कि छोटी रानी ने रघुकुल के भविष्य को जन्म दिया है। जा जा आज्ञा धाई माँ। उठ पुत्री, जाग। पुत्र रूप में अपने सौभाग्य चंद्र के दर्शन तो कर ले। जाग पुत्री, कह के उठ, देख देख। लेटी रहिए, प्रसव वेदना का अनुभव करने के पश्चात नारी कुछ दिनों तक सारे शिष्टाचारों से मुक्त रहे। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव। देखिए महाराज, राजकुमारी ने रघुकुल को क्या दिया है। रघुकुल धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र, मेरे लाल। देवी मंथरा, आपकी राजकुमारी ने मात्र रघुकुल को ही नहीं अपितु अयोध्या को, इस संसार को एक चिंतक, एक विचारक, एक महात्मा और संबंधों का एक महान पारखी दिया है। महाराज धन्य है महारानी कैकेयी, इन्होंने मानवता को एक महान सेवक दिया है। सम्राट को सेवक आप ही कहेंगे। देख लेना, मेरी राजकुमारी का पुत्र रघुकुल का इतिहास बदल कर रख देगा। मैं इसका पालन पोषण इस ढंग से करूंगी कि यह सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। महाराज, महाराज, आज अयोध्या पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हो रही है। मंजली रानी सुमित्रा ने भी दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य हो प्रभु। आप जाइए महाराज, मैं हूं ना यहाँ छोटी की देखभाल के लिए। संभालिए। कितना सुंदर है, जैसे राम तुम्हारा वैसे अब ये मेरा हो गया है। मैं राम के साथ साथ इसे भी पालूंगी। मैं पालने दूंगी तब ना, मैं तो इसको तुम्हारी छाया से भी दूर रखूंगी। मैं इसको इसकी मां की भांति कदापि न बनने दूंगी। राजभवन में मेल मिलाप के नाम पर जो आडंबर छाया हुआ है, उसे एक दिन मिट्टी में ना मिला दूं तो
तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं मंत्रा। मैं माँ हूं, धरती माँ। अयोध्या खुशी से झूम रही है, और क्यों ना झूमे। जिस राजा का आंगन न जाने कब से सूना पड़ा था, आज वहां चार चार राजकुमारों की चुलबुली हंसी और भोली भाली किलकारियां गूंज रही थी। दशरथ की झोली में एक साथ इतना सारा धन आया तो वे भी सुधबुध भूल गए। पुत्रों के प्रेम ने उनको दुनिया भुला दी। उधर रावण युद्ध की घोषणा कर चुका था। देवराज की जय हो। क्या समाचार है दूत? देवराज, दुष्ट रावण ने देवलोक विजय और आपका आसन छीनने का निश्चय कर लिया है। वो एक भारी सेना लेकर आ रहा है। उसके साथ उसका शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और दो पुत्र मेघनाद और अक्ष कुमार भी हैं। देवराज, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली है, वो अकेला ही हमारी सारी सेना पर भारी पड़ सकता है। बस हमें उसी का तोड़ ढूंढना होगा वरुण देव, और उसका बस एक ही तोड़ है। वो क्या देवराज? उस मूर्ख ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया है कि वो शक्तिशाली होते हुए भी युद्ध की क्षमता नहीं रखता। 6 मास उपरांत एक दिन के लिए ही तो जागता है वो दुष्ट, वो भी बस तीसरे पहर तक। किंतु देवराज, तीसरे पहर तक तो हमारी सारी सेना का सर्वनाश कर चुका होगा। नहीं नहीं वरुण देव, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। हम तभी रण क्षेत्र पहुंचेंगे जब वो सो चुका हो या सोने वाला हो। हम पूरी शक्ति से आक्रमण करेंगे, और हमारे आक्रमण का लक्ष्य रावण ही होगा, केवल रावण। सेना को तैयार किया जाए। जो आज्ञा देवराज। गगर जिसके पाप की पल पल भरती जाए, कहो पतन से फिर उसे कैसे कोई बचाए। जिसको अपनी शक्ति पर हुआ तनिक अभिमान, नष्ट हुआ वह आप ही शाप बना वरदान, शाप बना वरदान। जो सुने पथ पे चल सुजान विष्णु पुराण।